185 एकड़ में फैले संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर बीएपीएस स्वामी नारायण अक्षरधाम का उद्घाटन किया गया, जिसमें अमेरिका और दुनिया भर में रहने वाले लोगों के लिए मंदिर की एकता, शांति और सद्भाव के संदेश को दिखाया गया। 30 सितंबर को शुरू हुए 9 दिवसीय उत्सव के बाद रविवार को रॉबिन्सविले न्यू जर्सी में अक्षरधाम का भव्य समर्पण समारोह महंत स्वामी महाराज की उपस्थिति में आयोजित किया गया। स्वामी महाराज ने अनुष्ठानों और पारंपरिक समारोह के बीच मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया। भगवान स्वामी नारायण को समर्पित मंदिर का निर्माण 2011 में शुरू हुआ और इस साल खत्म हुआ है। इसे दुनिया भर के 12,500 स्वयंसेवकों द्वारा बनाया गया है। मंदिर की कई प्रमुख अनूठी विशेषताओं में से एक पत्थर से निर्मित अब तक का सबसे बड़ा अंडाकार गुंबद है। विश्व स्तर पर बीएपीएस स्वामी नारायण अक्षरधाम हिंदू कला, वास्तुकला, संस्कृति के मील के पत्थर हैं और आध्यात्मिक और सामुदायिक केंद्र के रूप में काम करते हैं, जो सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खुले हैं। कहा गया है कि न्यू जर्सी में अक्षरधाम वैश्विक स्तर पर तीसरा ऐसा सांस्कृतिक परिसर है। पहला अक्षरधाम 1992 में भारत के गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बनाया गया था। इसके बाद 2005 में नई दिल्ली में अक्षरधाम बनाया गया। सप्ताह के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने 8 अक्टूबर को भव्य समर्पण समारोह से पहले मंदिर में संयुक्त राष्ट्र के राजदूतों और प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। ये कहा जा सकता है कि भारत नहीं अब अमेरिका में सबसे बड़ा अक्षरधाम हिंदुओं का मंदिर उद्घाटन के बाद पूरी तरह से तैयार है और यहां पर कहा जा सकता है कि सनातन धर्म को हर कोई अपना रहा है।